पीछे वाली वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़े जो चार थे, पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रिया एंड इंजरी। इसमें से पहले एलिमेंट को लेते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे और जो लॉन्ग आंसर लिखने में आपकी हेल्प करेगा। पहला एलिमेंट हुआ पर्सन। अगर पर्सन की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि कहां लिखी है, तो स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी है। हां, आईपीसी की सेक्शन 11 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पर्सन की एक डेफिनेशन बताई गई है जो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और वहां पे एक लिस्ट बता दी गई है कि किन किन को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। वहां पे ये नहीं बताया गया कि पर्सन कौन होगा। तो पहले हम सेक्शन 11 की डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं कि किस किस के लिए उन्होंने कहा है कि ये पर्सन कहलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी 1860, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स, तीन बातें वहां पे लिखी हैं। इस तरीके से आप याद रखें ना कि आप बोलें अपने मुंह से जब भी किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, पर्सन की बात करें, तो आप वहां पे बोलें कि पर्सन में आईपीसी की सेक्शन 11 ने तीन बातों का जिक्र किया है। वो तीन बातें जब इस तरीके से बोलोगे आप, तीन बातें हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी। और कहीं भूलने लगोगे तो आप सोचोगे दो ही मैंने बताई हैं, अभी तक तीसरी कौन सी है, उसे आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से जितने भी इंग्रीडियंट हैं उनको आप नंबर में याद करो और डिस्कशन के साथ बोलो कि इतने एलिमेंट्स वहां पे लिखे हुए हैं। तो पर्सन इंक्लूड्स थ्री एलिमेंट्स, कौन कौन से? नंबर वन, एनी कंपनी। पर्सन में इंक्लूड्स है एनी कंपनी या फिर एनी एसोसिएशन या फिर एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चाहे तो वो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे रजिस्टर्ड ना हो। देखो, कंपनी तो हमेशा ही रजिस्ट्रेशन के बाद बनती है, उसके लिए एक्ट है, द कंपनी एक्ट 2013। पहले 1956 था, उसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और वही कंपनी कहलाएगी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। ये दो बातें बचती हैं, एनी एसोसिएशन या फिर एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चाहे ये इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, ये बताती है सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी। रूटीन में एक बार देखें, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यहां पे देखो, कंपनी हमने बता दिया क्या होती है, एसोसिएशन दो या दो से अधिक पर्सन मिलके बोल सकते हैं अपने आप को कि हमने एसोसिएटेड हो गए हैं और हमने एक एसोसिएशन बना ली है। वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है, जैसे सोसाइटीज होती हैं, उनको रजिस्टर करा लेते हैं दो या दो से अधिक मिलकर, तो वो एसोसिएशन कोई भी एसोसिएशन होगी तो वो पर्सन की कैटेगरी में आएगी। तीसरी बात है बॉडी ऑफ पर्संस। देखो, कभी भी किसी वर्ड की अगर डेफिनेशन दी जाती है लॉ में, आप भी सोचो कि किसी पर्सन को आप डिफाइन करने चलो और उस डेफिनेशन में उसी वर्ड को आप यूज कर लो, पर्सन की डेफिनेशन देने चले और पर्सन ही वर्ड आपने यूज कर लिया डिफाइन करते करते, तो वो डेफिनेशन तो डेफिनेशन हुई ही नहीं, क्योंकि पर्सन को ही नहीं पता हमें पर्सन क्या है, तो हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये सब्सटेंटिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ये नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि चलो, कंपनी समझ में आ गई हमको, एसोसिएशन समझ आ गई, ये बॉडी ऑफ पर्संस क्या होगा? बहुत लोग इसको नहीं बता पाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप मेरे वीडियोज में से कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके जाएं जो औरों को ना पता हो, जिससे कि आप जब भी कहीं डिस्कशन में बैठें तो आप अच्छे से अपने आप को बता सकें कि हाँ, मेरे पास कुछ अलग है जो आपके पास नहीं है। तो बॉडी ऑफ पर्संस को मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे करेंगे कि बॉडी ऑफ पर्संस मींस बॉडी ऑफ ये पर्संस में वो सभी बातें होंगी जो यहां पे लिखी गई है।
तो बॉडी ऑफ कंपनीज हो सकता है, पर्सन की जगह पे हम कंपनी लिख सकते हैं, बॉडी ऑफ कंपनीज हो सकता है, बॉडी ऑफ एसोसिएशंस हो सकता है, बॉडी ऑफ एक कंपनी हो सकती है, एक एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी ऑफ एक कंपनी हो सकती है और दूसरा कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है या फिर इंडिविजुअल हो सकता है उसके साथ, कंपनी के साथ, तो वो एक बॉडी कहलाएगी पर्संस की। पर्संस मींस वो पर्सन जो यहां पे पर्सन की कैटेगरी में बताए गए हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है, देखो ये डेफिनेशन आप पूरी पढ़ लीजिए, यहां पे कहीं भी इंडिविजुअल में संजीव सिकरवार इस डेफिनेशन में कवर होता है, आप पढ़ लें पूरी डेफिनेशन में, कहीं भी इंडिविजुअल नहीं लिखा, कहीं भी नेचुरल पर्सन नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या मैं पर्सन की कैटेगरी में नहीं आऊंगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इन्होंने डेफिनेशन पर्सन की नहीं बताई, इन्होंने तो ये बता दिया है कि पर्सन का जो नेचुरल मीनिंग है वो तो है ही, और पर्सन का नेचुरल मीनिंग है एक इंडिविजुअल जो सांस ले सकता है, जो खा सकता है, जो चल सकता है, ह्यूमन बीइंग। ऐसा ह्यूमन बीइंग वो पर्सन की कैटेगरी में है ही, वो तो नेचुरल डेफिनेशन है पर्सन की। उन्होंने बताया इसके अलग, इन एडिशन टू नेचुरल पर्सन, दीज थिंग्स आर ऑल्सो पर्सन, ये इन्होंने यहां बताने की कोशिश करी है। तो बॉडी ऑफ पर्सन का मतलब है कि वहां पे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, उस बॉडी में एक इंडिविजुअल प्लस दूसरा इंडिविजुअल प्लस तीसरा इंडिविजुअल, या फिर बॉडी ऑफ पर्सन में एक इंडिविजुअल एक कंपनी, एक इंडिविजुअल एक एसोसिएशन। जो जॉइंट वेंचर आपने नाम सुना हो कहीं पे, जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं बॉडी ऑफ पर्सन में। जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाती है, कोई बड़ा काम करना होता है, तो उस जॉइंट वेंचर को बॉडी ऑफ पर्सन की ही कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इस डेफिनेशन से आपको ये वर्ड याद रखने हैं, सेक्शन 11 याद रखनी है, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, ये चार वर्ड आप अगर याद रखेंगे, पर्सन इंक्लूड्स, आप डेफिनेशन फटाफट से बता देंगे, और बॉडी ऑफ पर्सन को आपसे अगर कोई पूछे तो आप इस तरीके से बता दें। अब बात आती है कि अगर मैं इसको और इजी करूं आपको, तो अपनी डेफिनेशन में, अपने आंसर में आप लिख सकते हैं कि पर्सन दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन। नंबर वन पर्सन इज नेचुरल पर्सन लाइक मी, नंबर टू इज लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन को इंडिविजुअल्स भी कहते हैं, मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूं, नेचुरल पर्सन हूं, एंड लीगल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन यही सब आर्टिफिशियल, जैसे कंपनी हो गई, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। एसोसिएशन हो गई कोई, आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। बॉडी ऑफ पर्सन हो जाएगा, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा, अगर उसमें एक कोई आर्टिफिशियल पर्सन इन्वॉल्व होगा। तो लीगल पर्सन कैसे बनते हैं? तो ये गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि वो एक लॉ पास करती हैं, और लॉ पास करने के बाद किसी भी एसोसिएशन को लीगल पर्सन का दर्जा दे देती है। और लीगल पर्सन का दर्जा देने से होता क्या है कि अब उस एसोसिएशन के, अब वो जो आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, लीगल पर्सन बन गया, अब उसके कुछ राइट्स हो गए, उसके कुछ ड्यूटीज हो गई, उसके कुछ लाइबिलिटीज हो जाएंगी। तो जब क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात आएगी तो नेचुरल पर्सन को तो आप जेल भेज देंगे, अगर एक नेचुरल पर्सन क्रिमिनली लाइबल हेल्ड कर दिया गया तो उसको तो आप जेल भेज सकते हैं, लेकिन क्या कंपनी को आप जेल भेज पाएंगे? क्योंकि पर्सन की कैटेगरी में कंपनी आती है दोस्तों, ध्यान रखना, और पर्सन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इसका मतलब नेचुरल पर्सन के साथ साथ कंपनी भी क्राइम कर सकती है, और अगर कंपनी ने क्राइम किया तो आप उसको जेल कैसे भेजेंगे? कंपनी तो कोई नेचुरल पर्सन है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, फिर उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी?
क्वेश्चन आता है जब वो जेल नहीं जा सकती कंपनी, तो उसकी लायबिलिटी की पनिशमेंट उसको कैसे मिलेगी? जब आप आईपीसी की सेक्शन 53 पढ़ेंगे तो वहां पे पनिशमेंट बताई गई है, कितने तरीके की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो वहां 5 तरीके की पनिशमेंट बताई गई है। फिर से आप नंबर याद रखेंगे, 53 आईपीसी पनिशमेंट वहां बताई गई है और 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स बताई गई है। सबसे पहली पनिशमेंट वहां दी गई है डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। दूसरी पनिशमेंट दी गई है इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी आजीवन कारावास। तीसरी पनिशमेंट दी गई है इंप्रिजनमेंट अदर देन लाइफ, मींस 2 साल तक की, 4 साल तक की, 10 साल तक की, 5 साल तक की, 7 साल तक की, 20 साल तक की, इस तरीके की जो इंप्रिजनमेंट होती है जिनको हिंदी में बोलते हैं कारावास। और चौथे टाइप की पनिशमेंट दी गई है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और पांचवी पनिशमेंट दी गई है फाइन, जुर्माना। तो अगर कंपनी की बात करेंगे, अगर किसी कंपनी ने कोई क्राइम किया है, क्योंकि पर्सन होने के नाते कंपनी क्राइम कर सकती है, तो वहां उसको डेथ पनिशमेंट नहीं मिल सकती, आजीवन कारावास की पनिशमेंट नहीं मिल सकती, 10 साल की, 5 साल की, 7 साल की ये पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती। हां, उसकी प्रॉपर्टीज को फॉरफीचर किया जा सकता है या उन पे जुर्माना लगाया जा सकता है, फाइन किया जा सकता है। इट मींस उनको भी पनिशमेंट दी जा सकती है, और जब पनिशमेंट दी जा सकती है तो कंपनी क्रिमिनली लायबल भी ठहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लीगल पर्सन क्या हुआ कि ऐसा एक स्टेटस दे देती है गवर्नमेंट उसको लॉ बनाकर, किसी भी एसोसिएशन को, कि वो लीगल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। लीगल पर्सन होने के तुरंत बाद से उसके राइट्स हो गए, उसकी ड्यूटीज हो गई, उसके ऊपर लायबिलिटीज भी आ जाएंगी। अब ऐसी क्या बातें होती हैं इसके अंदर जिनके कारण इस एसोसिएशन को पर्सन का नाम दिया जाता है? तो इसके लिए आप याद रखें दोस्तों, जब भी कोई पूछे तो बता दें कि जो काम एक नेचुरल पर्सन कर सकता है लीगली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी काम ये एसोसिएशन भी कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? जैसे एक नेचुरल पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, तो ये कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है। कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी बेची जाती है। नंबर 2, जैसे एक नेचुरल पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर केस कर सकता है, उसको सू कर सकता है, इसी तरीके से कंपनी भी किसी भी दूसरे पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो लीगल पर्सन है, उसको सू कर सकती है। जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन को सू किया जा सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसी तरीके से कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है, कंपनी टू बी सूड। इसी तरीके से जैसे एक नेचुरल पर्सन को किसी भी एक्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है, चाहे वो क्रिमिनली लायबल हो चाहे वो सिविल लायबिलिटी हो, उसी तरीके से कंपनी को भी लायबल ठहराया जा सकता है। इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स के कारण इसको पर्सन कहा जाता है। और क्योंकि ये खुद नहीं चल सकता, ये खुद अपने आप को रन नहीं कर सकती कंपनी, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन कहा जाता है। नेचुरल पर्सन ये नहीं होते हैं, और इनको रन करने के लिए नेचुरल पर्सन की ही जरूरत पड़ती है। अब मैं पर्सन के रिगार्डिंग आपको यहां पे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ बात करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो नेचुरल पर्सन जो सांस ले सकता है, जो खा सकता है, जिसमें ग्रोथ होती है, वो सभी नेचुरल पर्सन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एक मदर के गर्भ में, मदर के वोम में एक बच्चा है और वो काफी डेवलप हो गया है, वो सांस भी ले रहा है, वो मदर जो फीड करती है वो उसको खाता भी है, उसमें ग्रोथ भी है, तो क्या वो बच्चा जो मदर के वोम में है अभी वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा? अपना अपना माइंड अप्लाई करें
और इसके जवाब के लिए हम दो केस पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है कि एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में रोड एक्सीडेंट होता है गाड़ियों के बीच में, उस एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई थी और उसको चोट लगती है और उसके गर्भ में जो बच्चा था उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या सेक्शन 304A जिसमें यह बताया गया है कि रैश या फिर नेग्लिजेंट ड्राइविंग के द्वारा किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो जिस पर्सन ने रैश और नेग्लिजेंटली ड्राइविंग की उस पर्सन को 304A आईपीसी में पनिशमेंट मिलेगी। तो यहां पे जो वर्ड पर्सन यूज हुआ, क्या उस पर्सन की कैटेगरी में वो बच्चा आएगा? तो इसके लिए दो केस हैं। केस ये देख लें आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पे कुछ केस लिखे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं और आपको एक एडिशनल नॉलेज यहां से मिलेगी जो बाकी लोगों से आपको डिफरेंट बनाएंगे। तो केस का नाम है जब्बार वर्सेज स्टेट, AIR 1966, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, 590 और पेज पढ़ें आप 218। इस जजमेंट में यह बोला गया कि अगर बच्चा मां के गर्भ में है और सफिशियंटली डेवलप हो चुका है, एक बच्चा कहलाने के लायक वो डेवलप हो चुका है, और ऐसे बच्चे की अगर डेथ कर दी गई है तो देखो वो कल्पेबल होमिसाइड में तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो 299 आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में दिया गया है वहां वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 299 आईपीसी के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में ये क्लियर कट बता दिया गया है कि वो बच्चा अगर उसकी डेथ कर दी जाती है मां के गर्भ में तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों 304A आईपीसी, 304A आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी एक पर्सन की डेथ हुई होती है ड्यू टू रैश और नेग्लिजेंट, तो क्या वो बच्चा पर्सन की कैटेगरी में आएगा? तो इस जजमेंट में यह बोला गया कि वो बच्चा सफिशियंटली डेवलप हो चुका था जिसे एक बच्चा कहा जा सकता था, और अगर उस बच्चे की डेथ रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण मदर के वोम में, मदर के गर्भ में ही हो गई, तो 304A आईपीसी में जो पर्सन वर्ड यूज हुआ है उस पर्सन में इंक्लूड हो जाएगा। और सेम बात कहेगी दूसरी एक और जजमेंट, कृष्णन वर्सेस कृष्णन वैनी, 1997, SCC 544, पेज नंबर 550। तो इन दोनों केस लॉज को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अगर मदर के वूम में बच्चा सफिशियंटली डेवलप हो जाता है, उसको डॉक्टर बच्चा कह सकता है, उसकी डेथ रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से हुई है, तो उस बच्चे की डेथ के लिए 304A आईपीसी ऐसे ड्राइवर के ऊपर लग जाएगी जिसने रैश या नेग्लिजेंटली किसी व्हीकल को ड्राइव किया था और उस ड्राइव की वजह से इस बच्चे की डेथ हुई वोम में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक प्रोप्राइटरशिप होती है, आपने खूब सुना होगा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एक बिजनेस करती है, तो क्या वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पर्सन की कैटेगरी में आएगा? देखिए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो अपने बिजनेस को एक नाम दे देता है, जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। वो प्रोप्राइटरशिप कभी भी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर्सन की कैटेगरी में वो इंडिविजुअल आएगा, वो नेचुरल पर्सन आएगा जो उस प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटर है। वो पर्सन किसी पर्सन को सू कर सकता है या उस पर्सन को इंडिविजुअली सू किया जा सकता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप
कंसर्न इटसेल्फ इज नॉट अ पर्सन एज पर सेक्शन 11 सीआरपीसी। और इसके लिए आप एक केस देख लें जिसका नाम है सतीश जयंतीलाल साह वर्सेस पंकज मशरू वाला, 1996 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 3099 पेज नंबर 3100, गुजरात हाई कोर्ट का केस है। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर एक फर्म क्रिएट करते हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म पर्सन की कैटेगरी में आएगी? तो इसके लिए एक जजमेंट देख लें, जजमेंट का नाम है, केस का नाम है शंभुनाथ अग्रवाल वर्सेस एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1989 का केस है और कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। इस केस में यह कहा गया कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें दो या दो से अधिक इंडिविजुअल मिलते हैं और पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करते हैं, तो जो सेक्शन 11 में पर्सन की डेफिनेशन दी गई थी उसमें लिखा था बॉडी ऑफ पर्संस, इट मींस बॉडी ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा, तो पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन की कैटेगरी में आएगी। पर्सन के बारे में अगर आप इतना कुछ लिख देंगे, अगर पर्सन पे ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे और पर्सन कंप्लीट हो जाता है। और अगर एलिमेंट ऑफ क्राइम पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहली वीडियो में बताए गए एलिमेंट्स प्लस पर्सन के बारे में आप यहां से लिखें और आगे के एलिमेंट्स पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, आप वहां देखते रहें। अगर वीडियो में आपको लगा कि कुछ नया सीखने को मिला है, अच्छा सीखने को मिला है, आंसर लिखने में आपको हेल्प होगी, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और जो आपको लगता हो कि आपको अच्छी लगी है तो वैसा कमेंट कर दें, कोई कमी रह गई, इंप्रूवमेंट हो सकती है तो वैसा कमेंट कर दें। आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। और आप नए हैं और यहां तक आपने वीडियो देखी है तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं जाने वाला है आपका, कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, बट मुझे फायदा होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहूंगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, मेंस रिया के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।